हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। क्या हो रहा है? आज मैं 2-3 दिन के लिए बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरे भाई चेतन भाई है साथ में। बहुत अच्छे से हम लोग इंजॉय करते हुए जाएंगे और अच्छे से मीटिंग करके आएंगे। और आप लोगों ने शायद तक मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, सबसे पहले सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको बहुत अच्छा, मैं आपको घुमाने भी लेके जा रहा हूँ साथ साथ में। शायद इधर कुंभलगढ़ उदयपुर इधर ही मैं जा रहा हूँ, तो अच्छा अच्छा व्यू भी आपको दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं अभी पाली हाईवे पे हूँ और मैं मेरी गाड़ी चिप कंपास लेके जा रहा हूँ उदयपुर की ओर, तो बहुत मजा आएगा हमें। हम बीच में घूमते घूमते बिजनेस मीटिंग करते करते जा रहे हैं। ये रास्ते में हम रोहित की कचौरी खा रहे हैं, ये यहाँ की फेमस कचौरी है दोस्तों। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लग, ये देखो ये कचौरी वालों की इतनी भीड़ है यहाँ पे भाई, दूर दूर तक गाड़ियां खड़ी है। हम चिंटू भाई यहाँ पे कचौरी खा रहे हैं मोगर की, और चिंटू भाई साथ में लस्सी भी ले गए हैं, लस्सी भी पियेंगे हम लोग मस्ती के साथ। ये हम पहुंच गए उमरना के मंदिर। दोस्तों, आपने दर्शन किए होंगे, उमरना का बहुत अच्छा चमत्कार है बुलेट बाबा के नाम से। तो बहुत भीड़ है बाबा जी। दर्शन कर लिए हैं भाइयों। ये जो जाल थी जहाँ से बाबा के बुलेट का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत अच्छा पड़ता है यहाँ पे। देखो कितनी भीड़ है भाइयों, बहुत लोग मानते हैं यहाँ से जो भी आते जाते हैं वो यहाँ पे दर्शन करके ही जाते हैं। ये पल्ली हाईवे है, ये आगे अहमदाबाद बॉम्बे रोड भी है। ये अब हमारी गाड़ी है, जा रहे हैं भाई आगे उदयपुर के रास्ते से। सही था, आज नाइट हम रणकपुर में रुकेंगे। तो हम बाबा के ओम मन्ना के हम दर्शन करके अब आगे निकल रहे हैं कुंभलगढ़ की ओर। तो आज नाइट हमारा कुंभलगढ़ या रणकपुर स्टे होगा चिंटू भाई हमारा। यस, रणकपुर। तो आज हम भाई ठंड में जा रहे हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पे भी बहुत ठंड होगी। तो अच्छे से हम कल, आज तो हम बिजनेस मीटिंग नहीं कर पाएंगे, तो कल सुबह से सारी मीटिंग अटेंड करेंगे। तो आज नाइट बढ़िया से अपन पार्टी वार्टी करेंगे। पहला टोल क्रॉस कर लिया, अभी दूसरा टोल भी आ गया हमारे। रात हो गई है फ्रेंड्स, और हम लोग 2-3 बार आज रास्ता भूल चुके हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं। अब वापस रास्ता भूल के पुल से नीचे नीचे चल रहे हैं, और अब नाइट में बढ़िया सा खाना वाना खा के फिर रेस्ट करेंगे, कल ही मीटिंग वगैरह करेंगे। और सब बढ़िया है, आप लोग कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, जा रहा हूँ रास्ते में आराम से सॉन्ग सुनते सुनते। अंधेरा हो गया, अब सिंगल रास्ता आ गया हमारे, अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? कल वाला व्लॉग में आज वापस यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। कल रात को थोड़े हम कहीं बिजी हो गए तो बना नहीं पाए, तो उसी के साथ में ये और चालू रहेगा आज के दिन का। तो रात को हम सो गए थे, अब हम सेवाड़ी गांव में हैं जो पाली डिस्ट्रिक्ट में है, जो हमारे चिंटू भाई का गांव है। अब हम यहां से बाली जाएंगे, बाली से कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ से आगे उदयपुर का विचार है। तो बीच में एक दो मीटिंग करेंगे, तो अच्छा लग रहा है मेरे को आज यहां पे आके, बहुत अच्छा है। देखो आपको आगे का मैं बताता हूँ, ये है मेरे साथ चेतन भाई का गाँव है, चिंटू भाई मैं इनको प्यार से बोलता हूँ। ये देखो गाँव में अच्छा व्यू है यहाँ का। ये हम रणकपुर में एंट्री हो गए हैं, ये रानीबाग क्रॉस किया है रणकपुर की। ये देखो इधर उधर आपको पहाड़ भी दिख रहे हैं। ये हमारे चेतन भाई हैं यो, और हमारे खास दोस्त गौरव भाई, जिनके साथ हम आगे जा रहे हैं सायरा।
बन रही है, थोड़ी देर में आगे रणकपुर जैन टेंपल भी आएगा। यह उदयपुर से जोधपुर के जो हाईवे है उस पे मारवाड़ मेवाड़ संगम की ओर बढ़ रहे हैं और शानदार व्यू है। और हमारी टीम मतलब उदयपुर की ओर जाती हुई, मैं पंकज सिंह राणा और चेतन सिंह राव, हम घूमने जा रहे हैं आगे और मीटिंग भी, बिजनेस मीटिंग करेंगे। गौरव सर, आज आपको कैसा लग रहा है? हम सुबह सुबह आपके घर पे आए। अरे बिल्कुल शानदार लग रहा है। अच्छा, आप दोनों घर पे आए, हमारे मतलब चार चांद लग गए। हाँ बिल्कुल, घर आनंदित हो गया। और अब हम जा रहे हैं मीटिंग करने सायरा। हाँ बिल्कुल सायरा। ये आगे है जंगल, ये कौन कौन माए सीन है। ये उदयपुर घाट है और यहाँ से घाट स्टार्ट हो गया है। हम धीरे धीरे गाड़ी लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमारी गाड़ी है जीप कंपास। जिन और अब दो मिनट में मतलब 400 से 500 साल ओल्ड हमारा टेंपल आएगा, रणकपुर टेंपल फेमस। ये रणकपुर जैन टेंपल है, हम आते टाइम यहाँ आएंगे, पहले हम थोड़ा काम जाके आ रहे हैं। ये टेंपल का रास्ता है, देखो रणकपुर जैन तीर्थ 600 साल पुराना है, जो हमारे पीछे बैठे मामा जी बोल रहे हैं। ये नदी भी चल रही है साथ साथ में, बारिश के टाइम ये नदी अच्छी चलती है तो अच्छा व्यू होगा यहाँ पे। और देखो ऊपर पहाड़ियाँ हैं, हम ऊपर चढ़ने वाले हैं, ऊपर का वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे। मेवाड़ की धरती में कदम रखते हुए हम तीनों ये हम उदयपुर मेवाड़ की धरती पे कदम रख दिए हमारी गाड़ी ने। वो पीछे मैंने आपको पिलर दिखानी जल्दी जल्दी में, ये यहाँ से पूरा मेवाड़ स्टार्ट हो गया। फर्स्ट घाट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से घाट सेक्शन स्टार्ट उदयपुर का। राजस्थान भी हमारा कोई शिमला मनाली से कम नहीं है, कितना बढ़िया व्यू है। ये तो अब साउंड के अंदर देखें तो ग्रीन ही ग्रीन, अभी तो सब्जी को जैसे पत्थर चढ़ जा चुकी है सारी। ये हाथियों का स्थान है दोस्तों, यहाँ पे हाथी भी घूमते रहते हैं नाइट में, जंगली हाथी। ये देखो भाई मेवाड़ का फर्स्ट गांव है, कितनी अच्छी वादियां हैं, ऐसा शिमला में भी देखा है, मैं गोवा जाते हुए भी देखा रही है, ऐसा राजस्थान में भी है दोस्तों, राजस्थान भी किसी से कम नहीं। देखो छोटे छोटे खेत, देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। तो एक बार इसमें कमेंट तो आप जरूर करना कि आपको ये कैसा लग रहा है। ये अरण्य व्यास है जो बहुत फेमस होटल है यहाँ के, कुंभलगढ़ और रणकपुर के बीच की। ये अब घाट का लास्ट मोड़ है, यहाँ से घाट खत्म हो जाएगा अपना उदयपुर का, और अंतिम विदा यहाँ से, और यहाँ से आएगा हमारी मेवाड़ धरती। ये वही वादियां हैं जहाँ पे महाराणा प्रताप बहुत घोड़े लेके घूमे थे, अपने सैनिकों के साथ इधर उधर घूमते थे। घाट खत्म हो गया, अब हमारा जहाँ हमें आज मीटिंग करने जाना है, तो यहाँ पे रूपण माता के दर्शन हम यहाँ से बाहर से ही करते हैं। पहली देवी रूपण माता, मेवाड़ की पहली देवी है जो रूपण माता है, वहाँ के हम दर्शन कर रहे हैं। देखो आपको भी मैं करवा देता हूँ दर्शन, रूपण माता के आप भी दर्शन करो दोस्तों। जय माँ रूपण माता। ये देखो मंदिर बाहर से अच्छा है, पहाड़ों की वादी खत्म होते ही ये मंदिर स्टार्ट है। जय रूपण माता की। ये जा रहे हम कुंभलगढ़ फोर्ट की ओर, कुंभलगढ़ देखने का आज मन हो गया है,
कुंभलगढ़ देखेंगे हम पूरा, आज आपको भी दिखाएंगे कुंभलगढ़ फोर्ट। और 4-5 किलोमीटर है अब कुंभलगढ़ फोर्ट हमारा। पंकज सिंह नौखा, गौरव सिंह राव एंड चेतन सिंह राव। होटल भाई से है ना, हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ की ओर। यहाँ पे हमने होटल विजिट किया है थोड़ा बहुत। ये हम कुंभलगढ़ के आसपास पहुंच गए हैं, इधर हम होटल में खाना वगैरह खाएंगे वापस काम पे लग जाएंगे। गुरु भाई और हम सब साथ में यहाँ पे कुंभलगढ़ की धरती पे, ये खाना आ गया हमारा और हम खाना खा रहे हैं। चेतन भाई, गुरु भाई और हम, ये देखो उधर व्यू भाई, इधर भी नेचर है और नेचर का आनंद लेते हुए हम खाना खा रहे हैं। नेचर का आनंद बिल्कुल। मुझे जतिन जतिन के दूध वापस अब हमारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। ये है पुराने टाइम में महाराणा प्रताप के हाथियों का रहने के स्थान। हाथी यहाँ पे पानी वगैरह पीते थे, यहीं रुकते थे हाथियों के स्थान। तो ये देख लो यहाँ पे चारों ओर ये हाथी की फोटो लग रखी है। तो ये हाथी स्थान बोला जाता है। इधर ये झरना भी चल रहा है, अच्छा है। ये देखो मेरे भाई चिंटो एकदम यहाँ मस्ती कर रहा है गाड़ी के अंदर। और ये देखो पीछे से व्यू भी अच्छा आ रहा है। इधर ये झरना चल रहा है भाई, यहाँ साउंड में तो बहुत मजे हैं। बारिश के टाइम में तो बहुत अच्छे झरने हैं। शिमला मनाली कुल्लू कुछ नहीं है राजस्थान के उदयपुर, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का पता ही है। ये मेवाड़ का पहला गाँव है इधर, जो हम ये सायरा वगैरह से आते हैं, हम पाली ओर से, तो ये पहला मारवाड़ का पहला गांव है। ये है गौरव सा का घर है हमारा। इनको पेड़ पौधों से बहुत लगा हुआ है। देखो यहाँ पे चीकू लगे हुए इनके, बड़ा बहुत बड़ा चीकू का पेड़ भाई। मैंने तो यहाँ पे पहली बार चीकू का पेड़ देखा है राजस्थान के अंदर, और इस एरिया में है भी। ये देखो इनके घर का बगीचा है, ये घर है गौरव सा का। ये देखो वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल जो घर के बना रखा है, इससे पानी इधर आता है इधर आता है। ये देखो यहाँ पे फोटो शूट के लिए इन्होंने बनाया, यहाँ पे फोटो शूट करते हैं। अलग अलग पेड़ हैं। गौरव साहब ने बगीचा बहुत अच्छा लगा रखा है घर के अंदर। बिल्कुल चूल्हा बताओ हैं, और पीछे देसी चूल्हा वो पीछे है, अभी बताएंगे आपको। और भाई देखो घर के अंदर गार्डन कितना अच्छा लग रहा है। चीकू मैंने बताया अभी सबको। ये देखो चीकू भाई, चीकू इतने सारे चीकू। जिसको भी चीकू खाना है वो कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड हम लोग अपना काम वगैरह करके, बिजनेस मीटिंग करके सब हो गए फ्री। अब हम वापस जा रहे हैं जोधपुर की ओर। और आज गौरव साहब हमारे साथ थे, इन्होंने भी एक दो मीटिंग कराई, बहुत अच्छा लगा। गौरव साहब आपको कैसा लगा हमारे साथ? शानदार, बिल्कुल शानदार एकदम अनुभव था। हमें मेवाड़ में आके बहुत अच्छा लगा। मेवाड़ बहुत अच्छा घूमने के लिए, कुंभलगढ़ की बहुत अच्छा है। आप एक बार जरूर घूमो भाई कुंभलगढ़। और हमारे साथ भाई चिंटू भाई भी, देखो ये बहुत अच्छे से साथ में हमारे घूम रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं मजे से। चिंटू भाई आपको कैसा लगा ये टूर? अरे सर बहुत अच्छा लगा, जय मेवाड़। ओके दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करो और आगे आगे और आगे की वीडियो देखते जाओ, बहुत मजा आएगा। जय मेवाड़, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।